अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, आज मेरा वेट ना करना, मैं थोड़ा देर से आऊंगा। जब दिल करे ना तब आ जाना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कोई मतलब नहीं, आप ऑफिस जाएं। अच्छा दरवाजा बंद कर लेना, आजकल हालात बहुत खराब है। ओके बाबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और सुनाए क्या हो रहा है आजकल? आज इतने दिन हो गए हैं, कहीं घूमने के लिए नहीं गए? चलें आज। ठीक हो गया, कितनी देर तक आएंगे आप? बिल्कुल। हेलो, मैंने कहा स्पेशल ही है, आएंगे आप या नहीं? जी चलो ठीक है, ओके मैं वेट करती हूँ। ठीक है, आज आप इतनी जल्दी आ गए, आप तो कह रहे थे कि मैंने शाम को आना। वो दरअसल हमारी मीटिंग थी, वो बॉस ने कैंसिल कर दी, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। अच्छा, क्या हुआ है, आप कंफ्यूज क्यों हो गई हो? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। चलो फिर मेडिसिन लेकर आते हैं। नहीं बस रहने दो, ठीक है। आपकी कॉल काफी देर से आ रही है, आप सुन क्यों नहीं रही? अम्मी की कॉल आ रही है, तो सुनो ना फिर। करती हूँ। सुन लो कॉल। हेलो जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मी जी आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? मैं अम्मी नहीं हूँ, मैं रंजा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आप मैं और असलान कहीं बाहर अम्मी जी जा रहे हैं, तो आप ऐसा करना कि कल आ जाना। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो उधर जाना था, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं होता, हर वक्त काम 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 होता है। चलो संडे वाले दिन उधर जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैं ना आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। उस दिन नैना बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यार किसी की भी कोई प्राइवेसी होती है, आप मेरा सेलफोन ऐसे ही उठा लेते हैं। कॉल आ रही थी मेरी, कम से कम मुझसे पूछ तो लिया करें। जी अम्मी जी। जी जी बोले। हाँ जी जी अम्मी, किस बंदे से आपने मेरी शादी करवा दी? बिल्कुल निकम्मा है, ना किसी से बात करने देता है, ना कोई ढंग का काम करता है, ना कुछ, हर वक्त परेशानियां देता रहता है। जी जी वो तो ठीक है, मगर कुछ बंदे को देखना भी चाहिए ना। जी जी ओके अम्मी, ठीक है फिर करती हूँ कॉल। जी जानी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा चले कहीं शॉपिंग करने के लिए? नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये कौन सी बात हुई, मेरे लिए टाइम ही नहीं है आपके पास? नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे ऑफिस के काम बहुत पड़े हैं, मैंने वो करने हैं। अच्छा आप ऐसा करें कि मुझे पैसे दे दें, तो मैं खुद चल जाती हूँ साथ। पैसे तो मेरे पास नहीं है, आप इस तरह करें मेरा ATM कार्ड लेकर जाएं, तो जितनी शॉपिंग करनी है वो कर लेना। चलो ठीक है फिर। सबसे पहले आप साइन करवाएं ना, उसके बाद दो काम भी हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैंने आपको कह दिया है इंशाल्लाह हो जाएगा, पहले आप साइन करवाएं। वो तो हो जाएगा, तो हम उसे करवा लूंगी, मैं टेंशन ना लूं, वो करवा लूंगी।
यही तहम्मल तहम्मल आप कर रही हैं, कितने महीने गुजर गए। छोटा सा काम था, आप वो कर लेते, उसके बाद फिर हम फ्री थे, अपने जहाँ भी जाके शादी कर लेते थे। चलो बस थोड़ा सा ना सुकून करें। चलो ठीक है, कितना तकरीबन वेट करो? बस कम से कम ज़्यादा नहीं तो यही 5-6 महीने। चलो ठीक हो गया, बाकी आप ठीक हैं? कोई चीज़ चाहिए तो नहीं आपको? फिलहाल तो नहीं चाहिए, बस यही परेशानी है कि आप पता नहीं मेरे साथ शादी करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तो इंशाल्लाह, आप पहले वो काम करें, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इधर अंदर कौन था? इतनी देर क्यों लगा आई है? वैसे काम कर रही थी। अरसलान, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी जी, मैंने आपसे एक बात करनी है। जी बोलो। आपकी जो वाइफ है उसका रंज के साथ गलत रिलेशन चल रहा है। मैं कभी नहीं मानता, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। अरसलान, जिसके साथ उसका रिलेशन है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं अभी कॉल करता हूँ, आपको सब पता चल जाएगा। चलो करो, अभी कर लेते हैं ड्राइव। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रंजू भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिलू भाई, आप सुनाएं? करम है मालिक का आपकी दुआओं के साथ। रंजू ये बताएं, आपका जो लड़की के साथ रिलेशन चल रहा था अब क्या बना? वो इंशाल्लाह बन जाएगा, मैंने उससे बात कर ली है, आज भी वो मेरे पास ही है, इधर आई हुई है, पार्क में हम बैठे हैं। वो प्लाट नाम करवा लिया आपने? नहीं, वो हो गई है बात उससे, कितनी देर है आप इधर? तकरीबन आधा पौना घंटा तो लग जाएगा घंटा। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, जब फ्री हो जाओ तो मेरे साथ जरूर बात करना। हाँ, ठीक। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। आप पता चल गया आपको? जी चल गया। चले चले। किसका फोन था? वो मेरा एक दोस्त है। अच्छा, भाई बना हुआ है। तो क्या कह रहे थे वो? वैसे ही पूछ रहा था किधर गए हुए हो, किधर फिर रहे हो, बड़े दिन हो गए मिले नहीं हो। अच्छा, बोला बस इधर ही घूम फिर रहे हैं। ऐसी बातें ना किसी को नहीं बताते होते, ठीक है ना? नहीं, 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 वो पता नहीं हमारे बारे क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, क्या कह रहे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसको कोई ऐसा मसला नहीं। सही सही, आप परेशान ना हुआ करें। चलो, मैं नहीं चाहती ना कि हमारे ऐसे मामलात बने। आपको यकीन है उस पे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा दोस्त है, बड़े पुराने दोस्ती है मेरी उसके साथ। सही। और बस ठीक। आप बड़ा उठ पहाड़ के नीचे, ये देखो ये आपकी वाइफ और ये रांझा। असलम बासु, आपको शर्म नहीं आई? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी घटिया हरकत करोगी, धोखेबाज। असलम मेरी बात सुनो। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, ठीक है, और मैं आपको तलाक देता हूँ। आपको ये अपना दोस्त मुबारक हो। आओ एडी, हम चलते हैं। यही तो हम चाहते थे। चलो अच्छा हुआ, यही हम चाहते थे, वो आज अपने आप ही हो गया, कहीं जाना ही नहीं पड़ा।